Assalamualaikum, उम्मीद सब खैरियत से होंगे। Hope you guys doing well। आप लोग भी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हम क्या बात कर रहे हैं। असल में हम लोग आए हुए हैं पेशावर के वांग वांग रेस्टोरेंट। नाम भी ऐसा अजीब सा रखा हुआ है कि वांग वांग, तो नाम से ही आपको लग रहा होगा कि ये चाइनीज रेस्टोरेंट है। तो चाइनीज रेस्टोरेंट तो वैसे पेशावर में बहुत सारे हैं, पर इनकी एक स्पेशलिटी है, यानी सूप आपके टेबल पे ही बनेगा और जितने भी साइड्स होंगे वो आपके पास टेबल पे ही आएंगे। तो हम अपना खुद का अपना सूप बनाएंगे, अंदर जाते हैं, सूप ट्राई करते हैं और आपको बताते हैं कि इसका एम्बियंस और इसका जायका कैसा है। सो अर्जू, सो भाई ये हमारा वांग वांग का सूप आ चुका है। माशाल्लाह तबारकअल्लाह, एरोमा इसकी काफ़ी बेस्ट आ रही है। एक बड़े से चाणक में आता है, हमने खुद इसको पोर करके इसमें डाला हुआ है। हमने कुछ साइड्स भी ऑर्डर किए हुए हैं, कुछ बीफ है, डम्पलिंग्स है, स्पिनच है, नूडल्स है और कुछ साइड हमारे आ रहे हैं। तो अभी इसके नीचे आग लगी हुई है और ये हमारा सूप जो है वो उबल रहा है, हमारा सूप बन रहा है। अब ये जितने भी साइड्स हैं हम खुद इसको सूप के अंदर डालेंगे, इसको पकाएंगे और फिर इसको नोश फरमाएंगे। रेडी है, इसके अंदर हम अपने साइड्स डालेंगे, अपने साइड नहीं सूप के साइड्स हम लोग डालेंगे। सो ये गया हमारा डम्पलिंग, आप देख सकते हैं कच्चा डम्पलिंग है, इसके अंदर ये थोड़ी देर में पक जाएगा डम्पलिंग जाएगा। यहाँ पर हमारे पास बीफ है और बीफ को हम इसमें डालेंगे। भाई ये तो काफ़ी मज़ा आने वाला है, बिल्कुल कच्चा बीफ है। यहाँ पर हमारे पास सॉसेजेस है भाई, काफ़ी छोटे छोटे से क्यूट क्यूट से सॉसेजेस हैं, तो ये थोड़ा हम लोग ज़्यादा डाल लेते हैं। और भाई ये चॉपस्टिक से मेरे उठाने के बस की बात नहीं है, तो सूप में वैसे सारा मज़ा इस चीज़ का होता है। ये आप देख सकते हैं सारी चीज़ें इसमें मिक्स हो गई है, आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें पक रही है। ये देखिए क्रैक्स इसमें आने लग गए हैं और हमारे जो, ओ माय गॉड। अच्छा ये बीफ को ज़रा देखिए, बीफ इस, ये देखिए इसको बिल्कुल पतला पतला काटा हुआ है एंड इट्स गोना टेस्ट अमेजिंग इंशाल्लाह। माशाल्लाह यार वाला टेस्ट हद कर ले था। इन लकड़ियों को तो आप लोग जानते होंगे, चाइनीज रेस्टोरेंट्स में आपको अक्सर ये लकड़ियाँ देखने को मिलेगी, इसे चॉपस्टिक्स कहते हैं और हम में से 99% लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं आता। सो आज आपको मैं बताता हूँ कि किस तरह हम आसानी से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वही हमारे दो चॉपस्टिक्स है, टिश्यू लेंगे, टिश्यू के अंदर हम इन दोनों चॉपस्टिक्स को रखेंगे, ठीक है। इसको हम लोग रोल करेंगे, रोल 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 रोल, और यूं करके हमारे चॉपस्टिक्स रेडी हो जाएंगे और हम आसानी से अपने नूडल्स और चाइनीज फूड खा सकेंगे। कच्चा है मेरे भाई, कच्चा ना खिलाओ। हमारा सूप आया हुआ है माशाल्लाह तबारकअल्लाह, सब चीज़ें इसमें आलमोस्ट फुली कुक्ड हो गई है। ये है सॉसेजेस जो कि मैंने आलमोस्ट 5 खा लिए है, काफ़ी अमेजिंग है। इसमें साइड्स में आप लोगों ने सॉसेजेस ज़रूर ऑर्डर करने हैं। ये देखिए जो हमारे पास कच्चा बीफ था वो बिल्कुल पक्कर आ चुका है, कलर को आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह। और ये नूडल्स और साथ में स्पिनच एंड 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 मोमोज। अच्छा हम लोग चाइनीज रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं, तो जिस तरह हम लोग चाइनीज मूवीज में देखते हैं, जो वहाँ के जो टिपिकल चाइनीज रेस्टोरेंट्स होते हैं उसमें जो बूढ़े बैठे होते हैं वो सूप इस तरह खाते हैं।
और यकीन मानो इस तरह खाने से मज़ा तो बाल हो जाता है। ये आप देख सकते हैं भाईजान, हमारे देहात से आए हुए भाई जो है वो जब चाइनीज सूप उठाते हैं ना तो इस तरह मिस्टेक्स फिर उनसे होती रहती है। मैं आपको एक डेयर देता हूँ, चॉपस्टिक से उठाओ, चॉपस्टिक से आपने बनाए थे वो, ये रही है, वो छोड़ो, इस इन चॉपस्टिक से उठाओ ये भाई आखिरकार आपने मेरे कच्ची आबादी से आए हुए हमारे भाई है और ये चॉपस्टिक से अभी सूप उठाएंगे। ये देखिए, मैं चॉपस्टिक बना दूंगा, मुझे आता था किसी जमाने में, उठाता था एक मिनट ओके, माशाल्लाह भाईजान भाईजान, इतना बड़ा पुल बीच में नहीं बनाना, पूरे सरात बनानी है बिल्कुल। बताओ ना भाईजान, करो ना, मैं बताता हूँ कैसे। ये था हमारे वांग वांग सूप का रिव्यू। माशाल्लाह काफी अच्छा एक्सपीरियंस था, अपने फ्रेंड्स के साथ आओ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ आओ तो यकीनन काफी एक अच्छा टाइम आप लोग स्पेंड कर सकोगे। यानी सूप आपके टेबल पे आता है और उसके अंदर आपने खुद चीजें मिलानी होती है और फिर उसमें एक दूसरे का झगड़ा कर, नहीं इतना मेरा, इतना मेरा, इतना तुम्हारा। सो इट्स गोना बी फन, आप लोग आ सकते हो, यहाँ का सूप एंजॉय कर सकते हो। रेट्स मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा दिए हैं, इनके प्राइसेस हैं, लोकेशन भी मैंने आपको स्क्रीन के नीचे बता दिया है। एक चीज़ मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि रेस्टोरेंट को अपने प्राइसेस पे थोड़ा काम करना चाहिए, इसको थोड़ा कम करना चाहिए। दूसरी बात यह कि ये एक सूप रेस्टोरेंट है, सो इनको चाहिए कि इनके मेन्यू में जितने आइटम गिवन है वो एटलीस्ट सबके सब पूरे होने चाहिए, जो कि हमारी विजिट पे नहीं थे। सो ये था आज का हमारा रिव्यू, उम्मीद है आप सबको मजा आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, होप यू एंजॉयड द व्लॉग, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।